ही संकल्प होना है कि हे प्रभु, अब आपके अतिरिक्त और कोई सहारा नहीं। जब ऐसा समर्पण आपका होता है तो फिर जो अंदर से बात उठती उसे संकल्प कहते हैं। और जितना गहरा आपका समर्पण होता जाता है उतना ही गहरा आपका दूसरे पक्ष में संकल्प होता जाता है। जब तक आपको लगता है कि ये डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, देखो ठीक होते हैं होते नहीं, फिर वहाँ जाएंगे दिल्ली वाले अस्पताल में, तब तक समर्पण होता नहीं, तब तक संकल्प होता नहीं, विकल्प बना रहता है तब तक। तो पूरा संकल्प गहरा हो कि हमें यहाँ से हर सूरत में, हर स्थिति, हर परिस्थिति में हमें यहाँ से ठीक होके जाना है, हमें इससे कम कुछ चाहिए नहीं, इससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं, हमें ठीक होना है, मेरे परिवार को स्वस्थ होना, अच्छा होना, कुछ भी हो, एनी हाउ। तो जब हम संकल्प करते हैं तो शब्दहीन हो जाते हैं, संकल्प में शब्द काम नहीं करते, संकल्प में इच्छा शक्ति, विचार शक्ति, भाव शक्ति एक हो जाती है। तीनों केंद्रों में समान क्रिया जब होती है तो उसे हम संकल्प कहते हैं। तो केवल शब्दों से नहीं कि हमने बोल दिया कि हे प्रभु हमारे यहाँ पे कष्ट है, इसके तंत्र को काट दिया जाए, शब्द नहीं, अंदर से कि जो मैं आपसे कह रहा हूँ ये आपको करना ही है, इसके अलावा ना मेरे पास कोई चारा, ना इसके किससे कम में हम आपको छोड़ेंगे, आपको हमें ठीक करना ही होगा, मेरा कोई सहारा नहीं, ये संकल्प है। इतनी सी मोटी मोटी बात है, जैसे गांव का एक साधारण आदमी संकल्प कर लेता, बच्चा एक छोटा सा जिद कर लेता है, ऐसे बच्चे बन के जिद करना है कि हमें तो आपसे इससे कम में कोई आपसे बात नहीं होगी, हमें तो ठीक होना है और आप ही करोगे ठीक, और कोई दूसरा है भी नहीं, द्वितीय नास्ति। तो ऐसे संकल्प करना है गहरे भाव में, बहुत गहरे भाव में, ये भाव अंदर बहुत गहरा हो, ये संकल्प की रीति है। संकल्प के बारे में, समर्पण के बारे में हम पहले ही बहुत कुछ बोल चुके, बोलेंगे तो एक पुस्तक बन जाएगी समर्पण पे, संकल्प पे, लिखेंगे भी आपके लिए, अभी दो पुस्तकें अभी प्रिंट होके आई हैं, शायद कुछ लोग लिए भी होंगे, शायद यहाँ कुछ लोग लिए हैं पुस्तक, लिए बहुत लोग लिए हैं, देखो अरे बड़े खरीद डाले भाई तुम लोग पुस्तक, अच्छा वो भाई। इसमें आपके ही साथ जो प्रयोग हुए हैं, जो आपके साथ जीना हुआ है हमारा, वो अनुभव है उसके अंदर, और जो अनुभव है बहुत अद्भुत है, वो एक के लिए नहीं है, एक का अनुभव है सबके लिए है, एक जैसा है। दरबार के तमाम अनुसंधान है उसमें, कुछ पूजनी बाबा जी का हमारे साथ कुछ संस्मरण भी है, अभी संस्मरण में एक अलग से बुक लिखेंगे बाबा की। तो ऐसे संकल्प आपको गहराई में करना है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो कल शक्तियाँ खुली, आठ शक्तियाँ जो कल खुली, उनमें से तीन जो खुली वो आपके मतलब की सीधे सीधे हैं, बाकी भी आपके लिए ही हैं, लेकिन वो मेरे लिए हैं, इंस्ट्रूमेंट की तरह हैं, इंस्ट्रूमेंट्स जस्ट लाइक हथियार की तरह हैं, है ना। तलवार से कभी कभी फांस नहीं निकलती, फांस लग जाती ना, फांस जानते ना, तो भले तलवार हाथ में लेकिन तलवार से नहीं निकलती, वो सुई से ही निकलेगी, तो सुई की भी आवश्यकता पड़ती है। दो पुस्तकें थी अभी छप के आई, एक ये
करौली धाम एक परिचय के नाम से, करौली सरकार पूर्वज मुक्ति धाम, और दूसरी पुस्तक आई छपके ईश्वरीय चिकित्सा एक अनुसंधान, ये छपके। अब ये पुस्तकें छपती रहेंगी अलग अलग संदर्भ में, तो छोटी छोटी बुकलेट रहेंगी तो पढ़ने में आसानी होगी, किसी को बताने में देने में आसानी होगी। छोटी छोटी बुक्स रहेंगी 40-50 पेज में, तो उसमें दरबार के जो अनुसंधान है वो भी रहेंगे। अब इसमें अपने साथ संकट क्या है, अभी तक जो शक्तियाँ थी खुली थी वो छोटी बुकलेट में लिख दी गई, अब ये अमावस्या आई नई शक्तियाँ और खुल गई, अब अगली बुक छपेगी तो उसमें मेंशन करके छपेगा। तो ये भी एक आपके साथ है समस्या, तो ये वॉल्यूम के साथ रहेगी कि पहला वॉल्यूम है कि दूसरा वॉल्यूम है कि तीसरा वॉल्यूम है। तो इसमें तमाम प्रश्नोत्तर भी हैं, शायद 20-25 रुपए की पुस्तक है, ये अभी दिल्ली से छप के आई। इसमें हमारे परम पूजनीय बाबा जी और जो हमारे आध्यात्मिक गुरु थे श्री ए नागराज जी, उनके भी इसमें संस्मरण हैं। दोनों गुरुओं के प्रति कृतज्ञता है, जो श्री नागराज जी ने सूचना के रूप में हमें वस्तु दी, परम पूजनीय बाबा जी ने उसी सूचना को अनुभव के रूप में प्रमाणित करके दिखाया, अनुभव करा रहे हैं, अनुभव कराते हैं। आचार्य का काम है आपको पीढ़ी दर पीढ़ी सूचनाएं पहुंचाने का काम आचार्य करते हैं, गुरुओं का काम है कि जो सूचना आचार्यों से मिली है आपको बचपन से जवानी तक प्रौढ़ावस्था में, आपको उसी सूचना से का प्रैक्टिकल कराएं, अनुभव कराएं, आपको एक्सपीरियंस कराएं। तो एक्सपीरियंस कराने वाला गुरु बोला गया, केंद्र है वो, और जो सूचना दे रहा है वो भी एक प्रकार का केंद्र ही है, लेकिन उसे कहेंगे ना वो, अगर हम मेरे शब्दों में कहें तो ना वो परिधि है ना वो केंद्र है। इन दोनों के बीच में कहीं वो है जहां हमको बात समझा पाता है, वो बता पाता है, सूचना के रूप में दे पाता, हम ग्रहण कर पाते हैं। क्योंकि समझा तो कोई एक दूसरे को सकता नहीं, पिता अपने पुत्र को नहीं समझा सकता, व्यवस्था है ये, समझना अपने आप में होने वाली एक क्रिया है जो स्वयं में होती है। हम समझना चाहते हैं तो समझते हैं, हम नहीं समझना चाहते तो कोई लाख कोशिश कर ले, हम नहीं ही समझते, कान बंद है। तो दोनों गुरुओं के प्रति कृतज्ञता है, दोनों पुस्तक में उन्हीं के बारे में चर्चा है, और तो दोनों ही पुस्तक करौली सरकार के दरबार के जो भक्त हैं आप लोग, आवश्यक भी है, इससे आप चर्चा भी कर पाएंगे, आपका मानस भी मजबूत होगा, आपको दूसरों से बात करने भी आसानी होगी। तो बात संकल्प की हो रही थी, संकल्प गहरा करना है, अपने परिवार के सदस्यों का हाथ पकड़ लेना है जब संकल्प करें। अगर वो संकल्प नहीं कर पाता है, आपको पता है इसको पेशी आती थी या आ रही है कैसे भी, तब भी आप अपना संकल्प करने के बाद उसका भी संकल्प करें। बहुत लोग कहते हैं गुरु जी हमको तो पेशी नहीं आती, भाई को आती। पेशी का मतलब है अनियंत्रित हो जाना, अपना रिमोट दूसरे के हाथ में कंट्रोल करने के लिए दे देना, वो हमको सामने वाला जैसे चाहता वैसे न चाहता है, अंदर बैठ के हमारे मेधास को कंट्रोल कर लेता है।
तो कुछ लोग कहते हमें नहीं आती। कभी उनसे पूछो, तुम्हें गुस्सा ऐसा आता है कि तुम आपे से बाहर हो जाते हो। ये भी पेशी है जहां आप अनियंत्रित हो जाते हो, जहां आप अपने काबू में नहीं रहते, और गुस्सा यानी प्रेत या पूर्वज जब नीचे उतरता तब आपको लगता है ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए था। ये भी पेशी है, आपको लगता है पेशी नहीं। कभी लालच में हम बह जाते हैं, ये भी पेशी है, ये भी सवारी है। सवारी कौन करता है? या तो भय करेगा या लालच करेगा। संसार में दो ऐसी चीजें हैं जिसे एक को भय कहा, दूसरे को लालच कहा। सिर्फ ये दो वस्तुएं ऐसी हैं। अगर इन दो में आप नहीं आए कहीं पर लिख लीजिए दिमाग में, मस्तिष्क में, कहीं भी हृदय में, लालच या भय में अगर आप नहीं आते हैं तो दुनिया का बड़े से बड़ा आदमी भी आपसे अपनी मनमानी नहीं करवा सकता। ध्यान रखें, भूत प्रेत की तो हैसियत नहीं है। भय और लालच दो में फंसे, रपट गए, हर गंगे हो गए, फिर फंस गए, फिर फंसते आगे चले जाएंगे। एक सिरा पकड़ा दिया आपने, फिर निपटते चले जाएंगे। जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण। अगर दो से बच गए, मेरे पूज्य पिताजी कहते थे कि जहां लालच ज्यादा दिखे वहां दोबारा जाना मत। कहते थे जहां लालच ज्यादा दिखे, एक का चार दिखे, वहां कहीं मत जाना। समझ लेना दिख नहीं रहा है लेकिन कांटा लगा हुआ है उसमें, मछली वाला कांटा, आटा लगा है, गप से खाया, फंस गई, लालच का कांटा। कभी बोले धोखा नहीं खाओगे और लाइफ में वो काम किया भी नहीं, अपने घर बैठे रहे, वो काम नहीं किया। बाकी गुरुओं का आशीर्वाद रहा, बाबा का साया शुरू से रहा, मिल गया बचपन में ही, तो कभी कोई कुछ कर नहीं पाया। इसी वजह से समझदारी में थोड़ा बहुत रहता था कुछ ना कुछ। तो संकल्प को गहराई से करना है, अपनी बात भी करनी है संकल्प में, अपने परिवार के सदस्य के लिए भी कहनी है। ये मत सोचो कि भाई में पेशी आती मुझ में नहीं आती, आप में भी आती है। तो क्या प्रार्थना करना है? मेरी पेशी भी काट दी जाए, जिस तंत्र के कारण आती है उस तंत्र को काट दिया जाए, और मेरे भाई के भी उस तंत्र को काट दिया जाए जिसके कारण पेशी आती। अपने लिए भी प्रार्थना करनी, ये नहीं कि गुरु जी हमें तो आती नहीं पेशी, उन्होंने भाई के लिए कर दिया पेशी। सबको आती है। सवारी का मतलब हुआ कि दूसरा कोई सवार हो गया जो आपको बाद में अच्छा नहीं लगता। बहुत से बच्चे हमसे कहते हैं गुरु जी हम आपसे बदतमीजी कर देते हैं, वो उल्टा सीधा बोल देते हैं आपको, हमको बड़ा कष्ट, रोते हैं बाद में, बहुत रोते हैं। हमने कहा बेटा तुम थे ही नहीं, तुम तो बेकाबू थे, तो पता तो रहता ही कि हम बाद में पश्चाताप होता है। तो वो सवारी है जहां आप काबू में नहीं है। तो अपने लिए भी बोलना है, परिवार के सदस्य के लिए बोलना है। जब मैं कहता हूँ सारे ऑडियो पढ़े यूट्यूब में, अपने करौली सरकार के चैनल में पढ़े हैं, मैंने हर जगह कहा है पूरे डीएनए का अगर एक व्यक्ति बीमार है समझो सारे बीमार हैं, ऐसे समझो। तो संकल्प को गहराई से करना है, ये समझ ही करना है कि यहाँ नहीं तो कहीं नहीं, ऐसे वो संकल्प गहरा होगा और आप तमाम समस्याओं से मुक्त होते जाओगे। आप देखते हो तमाम बीमारियां कट जाती खड़े खड़े, क्षण में बीमारी गायब हो जाती अगर आपका संकल्प गहरा है। और एक अद्भुत बात है, अभी तक तो आपको हम यहाँ बुला के देखते थे, अब एक अद्भुत बात यह है कि आप लोग सिंपल अगर जो संकल्प नीचे लोगे, मान लीजिए आपने 20 बीमारियों के संकल्प लिए, 20 लक्षण हैं बीमारी के, और 5 आपके रह गए नहीं हो पाए, ठीक,
तो आपको जो समस्या लग रही थी 20-15 आपको नहीं समझ में आएंगी शरीर में, वही 5 समझ में आएंगी जिनका संकल्प आपका गहरे से नहीं हो पाया, जो तंत्र कटने से बच गए वो आपको नीचे ही समझ में आ जा जाएगा कि ये बच गए। ये परम पूजनीय बाबा जी ने एक नई शक्ति और खोली थी, चौथी के बारे में आपको हम जानकारी भी दिए देंगे जो दरबार में आप आते। तो आप अगर 10 संकल्प करते हैं, मेरी ये 10 समस्याएं शरीर की, और आपको लगे कि 2 तो अभी बची हुई हैं, तो वही 2 नहीं कटी हैं समझिए, बाकी 8 कट चुकी हैं। अभी तो हम बुला बुला के पहले फंसी एनर्जी निकालते थे, तब आप कहते थे हाँ गुरु जी बाकी सब ठीक है, ये 2 जगह गड़बड़। अब आपको ये क्रिया आपकी नीचे ही हो जाएगी। तो जब ऊपर आप आएंगे तो हमें आपसे इतना ही पूछना रहेगा कि अब कहाँ कष्ट बचा है, अब बताइए। तो आप कहाँ से शुरू करते हो पता है, गुरु जी हमारे यहाँ दर्द होता था और यहाँ टांग के नीचे होता था और एड़ी में था। मैं कहता हूँ भैया तुम पुरानी बातें क्यों कर रहे हो, संकल्प के पहले वाले ही अभी की करो। इस समय मेरे सामने जब आप खड़े हो, अब आपको क्या कष्ट बचा है, तो आप हमें यहाँ केवल आपका जो कष्ट बचा रहे सिर्फ वही बताएंगे, बाकी आपने जो कर लिया कूड़ा करकट था सरक गया निकल गया निकल जाएगा, ठीक है। आपका भी समय बचेगा, सबका समय बचेगा, दरबार का भी समय बचेगा, लोगों को जल्दी जल्दी देख पाएंगे, क्योंकि कम से कम 800-900 लोगों की वेटिंग है, 800-900 लोगों की वेटिंग है, तो आप जल्दी देख पाएंगे। काम उतना ही है, पेशी नहीं कटी होगी तो हम तुरंत यहाँ काट देंगे, 10 सेकंड लगेंगे हम पेशी काट देंगे आपकी, ठीक। अगर नहीं कटी होगी बाई चांस तो हम काट देंगे, बाकी आपको सब संकल्प नीचे से करके आना है। तो संकल्प के लिए सबसे पहले जो तैयार हो, उसके पहले सभी लोग, किसी को डीएनए ब्रेक करना है, किसी को, ठीक है बढ़िया है, डीएनए ब्रेक कर लें, तीन मिनट की प्रक्रिया है। डीएनए में अपने उसी को रखें जो आपको लगता है कि आपके मतलब का आदमी, वैसे भी अगर आप परिवार के कोई सदस्य को जोड़ लोगे और अगर कुछ खा पी लेगा उल्टा सीधा गड़बड़ काम करेगा तो वही 0 होगा, आप 0 नहीं होंगे, आपके हवन का पुण्य आपका बना रहेगा। अभी तक आप सब लोग 0 हो जाते थे। ये एक बड़ा संकट था, ये एक बड़ा संकट था, वो परम पूजनीय बाबा जी ने टाल दिया, और भविष्य में मुझे ऐसा लगता है कि और भी कुछ संकट आगे टलेंगे। आपके परिवार के सदस्य का वो हम व्यवस्था एक बना देंगे कि अगर दरबार नहीं आता है तो उसका एक कपड़ा हो पहना हुआ जो धुला ना हो, और आपके मोबाइल पर उसकी फोटो हो, ठीक है, उसको भी हम यहीं से बैठ के ही काट दें। कितने लोग हैं जिनके पास कपड़ा है, बच्चों का, घर का, घर के लोगों के कपड़े हैं, ठीक है बढ़िया। आइंदा से इसको हम YouTube में डाल देंगे तो असुविधा नहीं होगी। जिनके घर के सदस्य कुछ ज़्यादा आवेश में हैं या बहुत गुस्से क्रोध में घूमते हैं, उलूल जुलूल हरकतें करते हैं, तो उनके लिए भी रास्ता खोल दिया गया है। अब उनके भी तंत्र जो है मोबाइल से ही आपके लाए द्वारा, जो आपके द्वारा कपड़ा लाया जाएगा पहना हुआ उसी से ही कट जाएंगे उसके, ठीक है। तो वो चीज़ें कट जाएंगी जो उसको एग्रेसिव करती हैं, दरबार आने से रोकती हैं, फिर दरबार आएगा तो बाकी बीमारियों वाला जो संकट है वो यहाँ आके कट जाएगा। अगर ज़्यादा बीमार होगा तो काट देंगे, बाकी दरबार में नमन करके करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सभी लोग मेरी बात से सहमत हो गए होंगे कि संकल्प को कैसे करना है। पेशी वाले संकल्प हम काट देंगे, बाकी की जिम्मेदारी आपकी है गहराई से संकल्प करने की। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा।